गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फर यूमिना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्पाल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दौसा राजस्थान। आज के इस लेक्चर में हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान सरकार द्वारा सब्जेक्ट कॉल ईएल 209 एक सेकेंड EL 209 के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के यूनिट नंबर 3rd मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले मेजरमेंट के बारे में जाएगा, मेजरमेंट क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन बताई जाएगी, उसके बाद में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझाया जाएगा तथा इसके बाद में उनका जो क्लासिफिकेशन, जो आपका टॉपिक नंबर 3.1 है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का विभिन्न आधार पर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा जाएगा। तो पहले मैं आपको एक बार समराइज करके बता देता हूँ कि कैसे कैसे इनका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे काम करता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको, ये इनकी समरी है, तो ये देखो। तो यदि आपके एग्जाम में यदि डेफिनेशन आ जाए कि मेजरमेंट होता क्या है, तो मेजरमेंट में आपको बस यही लाइन लिखनी है कि मेजरमेंट है कंपेरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड अननोन और रिजल्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसमें यह है कि कंपेरिजन है किस किस के बीच में, स्टैंडर्ड और अननोन के बीच में, तथा इनका जो रिजल्ट है, तथा इनका जो रिजल्ट है अननोन का, वो आपका रिजल्ट ऑफ मैग्नीट्यूड और अननोन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड। तो रिजल्ट है नॉन का, वो स्टैंडर्ड की फॉर्म में हम ज्ञात करेंगे तथा इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट का हम उपयोग करेंगे उनको बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इसमें ये स्टैंडर्ड और अननोन है, पहले तो ये हमें समझना है कि कैसे क्या होता है कंपेरिजन, और स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं और अननोन किसको बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो पहले से प्री डिफाइंड हमने कर रखा हो, कि वैज्ञानिक विश्लेषणों या मानकों तथा पहले से एक परिपाटी चली आ रही है कि इसकी वे कि कोई चीज़ पर्टिकुलर, चाहे वो लेंथ है, चाहे वेट है, उसका कुछ वजन है या उसकी कुछ लंबाई है, उसको हम मेजर कर लेते हैं कि ये 1 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, 3 मीटर का है, पहले से दिया रहता है। और कोई वेट दे रखा, कोई वजन दे रखा, तो उसका मतलब एक पर्टिकुलर इतना भार होगा, उसको 1 मीटर बोलते हैं। जैसे आपके स्टैंडर्ड की बात करूँ मैं, तो स्टैंडर्ड एक तरीके से जो इंची टेप होती है, तो इंची टेप पर जो यदि अपन लंबाई को देखें तो उस पर 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, फिट में जो आती है 1 फिट, 2 फिट, 3 फिट, तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है कि भाई इतनी यदि डिस्टेंस होगी तो इसको अपन 1 फिट बोल देंगे या इसको 1 मीटर बोलेंगे, और यदि इतना वजन होगा तो अपन इसको 1 किलो बोलेंगे, इतना यदि वजन होगा तो 2 किलो बोलेंगे, 3 किलो बोलेंगे। तो इनका मेजरमेंट करने के लिए, इनको मापने के लिए, क्वांटाइज्ड करने के लिए एक तरीके से इनमें अपन वेट को मेजर करें, तो उसमें बाँट बना दिए जाते हैं जो वेट को मेजर करते हैं, तो 1 किलो का या 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो का, 5 किलो का, तो वो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड। अब अपन को स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वेट की, तो उसके रेस्पेक्ट में अपन को कोई चीज़ यदि मेजर करनी होती है, तो उस मेजर करने वाली जो चीज़ होती है वो पूरी तरीके से आपके लिए अननोन होती है, अज्ञात होती है। तो ये अननोन को हम क्या करते हैं, वो जो स्टैंडर्ड है कि 1 किलो का वेट के रेस्पेक्ट में, उसको अपन मेजर करें कि भाई ये 1 किलो हो रहा है, नहीं हो रहा, 1 किलो कम है, नहीं है, 1 किलो ज़्यादा है, नहीं है, तो उसको बोलते हैं अपन अननोन। तो इसमें क्या करते हैं मेजरमेंट है, मेजरमेंट एक तरीके से प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है कंपेरिजन का, किस किस के में, बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड अननोन, शायद आप लोगों की समझ में आया होगा, ठीक है। और तो इसका जो अननोन का जो रिजल्ट आता है, वो अननोन का रिजल्ट होता है स्टैंडर्ड की फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें ये कंपेरिजन बिटवीन द अननोन एंड रिजल्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड, ठीक है। और इसके लिए मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होता है उसको बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए बेसिकली 2 बातें होती हैं, तो उसके लिए क्या होता है, पावर कंजम्पशन होता है, वो आपका पावर कंजम्पशन उसका लो होना चाहिए, और सेकेंडरी चीज़ है कि वो एम्बियंट कंडीशन पे
डिपेंड नहीं, एम्बिएंट कंडीशन से चेंज परिवर्तित या चेंज नहीं होना चाहिए। पावर कंजम्पशन लो, तो लो पावर कंजम्पशन का अर्थ ये हुआ कि जैसे ही मान लें कि कोई आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यदि वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो हम उसको एक अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं मानेंगे। हम अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसको मानेंगे जो कम से कम पावर पर या कम से कम एनर्जी लगाने पर अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे, एक्यूरेट रिजल्ट दे, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, तो उसको मानेंगे अच्छा इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए पहली खासियत ये होनी चाहिए कि उसका पावर कंजम्पशन लो होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसका जो ये क्या नाम है, नॉट एंड विद एम्बिएंट कंडीशन, कि वो एम्बिएंट कंडीशन, जो एम्बिएंट कंडीशन को बोलते हैं हम, ताप, दाब, आर्द्रता या आसपास के वातावरण की जो कंडीशन होती है उसके पर ये कम से कम आपका परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एम्बिएंट कंडीशन वाली बात। ठीक है, अब इसके बाद में इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी का मतलब ये हुआ कि इसके जो आउटपुट की मेथडोलॉजी है कि उसको इनडायरेक्ट मेथडोलॉजी बोलें और दूसरे वाले को बोले डायरेक्ट मेथडोलॉजी। इसके आधार पर जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है आपका इनडायरेक्ट मेथडोलॉजी वाला इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है डायरेक्ट मेथडोलॉजी वाला इंस्ट्रूमेंट। जो ये इनडायरेक्ट मेथडोलॉजी वाले जो इंस्ट्रूमेंट है इन्हीं को आपको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, जबकि डायरेक्ट मेथडोलॉजी वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उन्हीं को आपको बोला जाता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट मेथडोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट है उसका आउटपुट होता है वो आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल कॉन्स्टेंट, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल कॉन्स्टेंट। ठीक है, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल कॉन्स्टेंट। तो इसका जो आउटपुट होता है इनडायरेक्ट मेथडोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट का, इसका आउटपुट का जो टर्म, उसकी जो वैल्यू आती है वो फिजिकल कॉन्स्टेंट में आती है। फिजिकल कॉन्स्टेंट का अर्थ हुआ कि इन जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली, जैसे अपन के एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक के वेटिंग मशीन, एक होता है तराजू। तो तराजू में हम क्या करते हैं, एक प्लेट पर हम वेट रख देते हैं और दूसरे पर हम मेजर कर देते हैं। हम वेट की जगह पर इसमें कुछ और भी चीज़ें, जैसे मिट्टी का ढेला रख लो, मिट्टी का ढेला मतलब पत्थर रख दो कि भाई ये पत्थर के इक्वल मुझे इतना वजन वाली कोई चीज़ तोड़नी है जितने पत्थर का वजन है। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथडोलॉजी आधारित इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये जो तराजू में अपन दो पलड़े लगा रहे हैं तो इसमें क्या है कि इसमें आपका जो पावर कंजम्पशन होता है वो क्या होता है, लेस होता है, क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या होता है, मूविंग मैकेनिकल पार्ट कम होता है, इसके अलावा इसमें एनर्जी देने की ज़रूरत भी कम पड़ती है। तो ये एक तरीके से लेस पावर कंजम्पशन होता है ड्यू टू द लोअर मैकेनिकल मूविंग पार्ट, और इसमें हम एक बात ऐड कर सकते हैं ड्यू टू द लोअर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, और बिकॉज इट इज़ नॉट यूज एनी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सो इट्स, सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज हाई एक्यूरेट, विच इंस्ट्रूमेंट इनडायरेक्ट मेथडोलॉजी आधारित है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ओके, इसकी एक्यूरेसी भी अधिक होती है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनकी चूँकि एक्यूरेसी ज़्यादा होती है तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंटों को यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, आपकी प्रयोगशालाओं के अंदर। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं दैट इज यूज्ड इन टू द लेबोरेटरी, और इनडायरेक्ट मेथडोलॉजी या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के देर आर थ्री एग्जांपल्स, वन इज ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, अनदर इज रेले करंट बैलेंस, और थर्ड इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर। ये आपको तीनों याद करने हैं कि इसमें जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके तीन एग्जांपल हैं टीजी, आरई और ए। ठीक है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर। अब ये इनडायरेक्ट मेथडोलॉजी पर आधारित होते हैं, इसी प्रकार से इसके अपोजिट में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डायरेक्ट मेथडोलॉजी पर आधारित होते हैं, और जो इनका आउटपुट होता है वो आउटपुट इनका एक तरीके से इनका जो पैरामीटर होता है उसमें मेजर करते हैं। पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई वजन की चीज़ तोड़ ली है तो वो उसका वेट में आएगा, यदि आपको लंबाई तोड़नी है तो वो लंबाई में बताएगा,
कि इसकी 5 मीटर लंबाई, 50 मीटर लंबाई, 100 मीटर लंबाई, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऐसे यदि वेट है तो उसको अपन किलो में, कि 1 किलो, 1 किलो 5 ग्राम, 1 किलो 50 ग्राम, 1 किलो 10 ग्राम, इसके आधार पर ये एक तरीके से आपके डायट्री मेथोडोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट है वो काम करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है डायट मेथोडोलॉजी वाले, तो इनमें क्या होता है, तो इनको मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके किराने की दुकान पे आप जाते हो, कोई भी किराने की दुकान देख लो, तो उस पर क्या है, डिजिटल वेटिंग मशीन लगी हुई है, वो क्या करती है, उसके ऊपर अपन वेट डालते हैं कि, तो वो बता देगी ऑटोमेटिकली कि 1 किलो है, 1 किलो 5 ग्राम, 1 किलो 50 ग्राम है, 999 ग्राम है, 998 ग्राम है, 990 ग्राम है। तो वो हमें बेसिकली, वो मशीन क्या करती है, जिस यूनिट में हमें वो चीज़ चाहिए उसी यूनिट में वो शो कर देती है कि अपन को कोई चीज़ें, चीनी चाहिए, चीनी हम किलो में लेते हैं नॉर्मली, चीनी के कभी दाने किन के तो हम लेते नहीं, चीनी हम लेते हैं केवल केजी में, कि हमें 5 केजी चीनी दे दो, 2 केजी दे दो, 2.5 केजी दे दो। तो उस ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें डिजिटल डिस्प्ले भी लगी रहती है, इसमें बिजली पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, इसमें इसके जो इसमें ट्रांसड्यूसर भी लगे हुए रहते हैं, तो इनको चलाने के लिए इसमें गियर भी लगे रहते हैं। तो एक तरीके से इसके अंदर मूविंग मैकेनिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले, ये तामझाम बहुत सारी चीज़ लगे रहते हैं। तो इसको चलाने के लिए आपको पावर कंजम्पशन ज़्यादा, ठीक है, तो ये हाई पावर कंजम्पशन होता है और इनका उपयोग अपन ज़्यादातर इंडस्ट्री में करते हैं। एक तरीके से किराना की जो दुकान है वो भी एक तरीके की इंडस्ट्री है, उद्योग है, किराना की दुकान भी उद्योग है। तो ये नॉर्मली होते हैं, आपको इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अब इनके और एक एग्जाम्पल लें, तो जैसे आपके घर में लाइट आ रही है तो आप देखना चाहते हो कि मेरे घर में कितने एम्पियर का लाइट है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो एमीटर। एमीटर आपको बता देगा कि आपके घर में 50 एम्पियर करंट आ रहा है, आपके घर में 100 एम्पियर करंट आ रहा है। वोल्ट मीटर यूज करते हैं घरों में, तो ये वोल्ट मीटर होता है, ये बता देगा इतने वोल्टेज आता है। पावर मीटर यूज़ करते हैं, वाट मीटर, तो ये वाट मीटर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्ट मेथोडोलॉजी के आधार पर जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज यूज इन टू द इंडस्ट्रीज, और दे आर यूज इन टू द इंडस्ट्री एंड ड्यू टू द हाइयर मूविंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड पीसीबी पार्ट, दे मतलब पार्ट इनका पावर के कारण इसका पावर कंजम्पशन अधिक होता है। अब ये तो होगा इनके मेथोडोलॉजी के आधार पर कि भाई वो इनडायरेक्ट मेथोडोलॉजी आधार रहता है, डायरेक्ट मेथोडोलॉजी पर आधार रहता है। अब जो ये इंस्ट्रूमेंट है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है, तो इनको अपन आगे फर्दर क्लासीफाई भी कर देते हैं, ठीक है, फर्दर क्लासीफाई भी करेंगे, उनको हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।